Assalamualaikum. So today video is about how to grow your wholesale business. So I will tell you some main important points जिनकी वजह से आप अपना wholesale का business grow कर सकते हैं. So the first point is brand approvals. Make sure कि आप छोटे brands को target करें, क्योंकि mostly लोग यहाँ brand approvals ले नहीं पा रहे होते. तो बाद में उनको पता चलता है कि दे आर टारगेटिंग द बिग ब्रांड्स. तो हमेशा याद रखें, स्टार्टिंग में छोटे ब्रांड्स को टारगेट करें ताकि आपको जल्दी से ब्रांड अप्रूवल मिल जाए. द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल. ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता तो वो ब्रांड के साथ बात कर रहे नहीं कर पा रहे होते, एंड दे आर लैगिंग एट टू कॉल द ब्रांड. सो मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी तो आप किसी अपनी टीम मेंबर्स के थ्रू जो है वो ब्रांड्स को कॉल करके अप्रोच कर सकते हैं. अगर आप ब्रांड के साथ कॉल कर रहे हैं और अगर आपको बात करनी नहीं आ रही, देन आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा. तो अमेजोन होल सेल में कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी तो इसका आपको मैजिक वे बता दूँ, आप स्काइप के थ्रू फॉरेन कंट्रीज़ में कॉल करें और लोगों के साथ बात करें रात के टाइम, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सकती है. तो द थर्ड स्टेप इज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन. अगेन अमेजोन होल सेल में प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है. किसी भी मॉडल में अमेजोन की अगर आप एंटर कर रहे हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है. तो आपकी प्रोडक्ट अमेजोन हैव भी होल सेल में बहुत अच्छी होनी चाहिए. बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी होनी चाहिए, BSR कंसिस्टेंट हो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक को 100%. अगर अमेजोन बैठा होगा तो आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाएगी, आपको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइस. अगेन सो प्राइस वॉर वाली प्रोडक्ट्स को स्किप कर दें. अमेजोन पर अगर आपने कामयाब होना है ना, तो प्राइस वॉर वाली प्रोडक्ट्स को होल सेल में स्किप कर दें, क्योंकि प्राइस वॉर में आपके प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनेंगे और आपको बार बार अपनी प्राइसेस को चेंज करना पड़ेगा. तो आप मेक श्योर करें कि वो प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट ना करें जिसमें प्राइस वॉर हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक. अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो 100%, ठीक है, तभी आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, वरना अमेजोन आपके साथ आपको बाय बॉक्स नहीं लेने देगा और आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाएगी. द नेक्स्ट स्टेप इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अगेन अमेजोन FBA होल सेल में भी आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए. आप स्टार्टिंग में ज़्यादा यूनिट्स के साथ ना जाएं. हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि मैं स्टार्टिंग में भी उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़्यादा यूनिट्स ना सेल करें, स्टार्टिंग में भी टेस्टिंग के तौर पे अपनी लॉन्च करें. जब आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तब आप नेक्स्ट लॉन्च के लिए ज़्यादा यूनिट्स सेल कर सकते हैं. अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, दैट इज़ प्रॉफिट मार्जिन्स. हमेशा याद रखिए, जब आप अमेजोन पर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट या सेकेंड लॉन्च होनी चाहिए वो हमेशा ये होनी चाहिए कि आपने मार्केट में अपनी जगह बनानी है. कभी भी प्रॉफिट मार्जिन्स को स्टार्टिंग में प्रायोरिटी ना दें, आप फेल हो जाएंगे. हाँ, ये बात माइंड में रखें कि बहुत कम भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं करने, मिनिमम आप प्रॉफिट मार्जिन अपना 25% रखें. ROI आपका 25-30% आना चाहिए स्टार्टिंग में. देन आप नेट प्रॉफिट जो है आपका वो कम से कम $7-$8 हो, हर एक चीज़ निकाल के, प्रेप सर्विसेज की सर्विसेज, अमेजोन की फीसेस निकाल के आपको $7-$8 बच रहे हों, ताकि आप 50-100 यूनिट्स अगर सेल करें तो आपको कुछ प्रॉफिट आए जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये माइंड में रखने हैं. आपको मैं एक और नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बाय बॉक्स स्टैटिक्स. अच्छा, बाय बॉक्स आपका कंसिस्टेंट आ रहा हो, लास्ट 3 मंथ में भी, लास्ट 1 मंथ का भी, लास्ट 1 ईयर का भी बाय बॉक्स कंसिस्टेंट आ रहा हो, बाय बॉक्स की रोटेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. BSR आपका कंट्रोल होना चाहिए, 30-40,000 आप स्टार्टिंग में बाय बॉक्स के साथ, सॉरी अपनी जो BSR है उसके साथ जा सकते हैं. अगर इससे ज़्यादा BSR होगा तो आपकी मंथली सेल्स कम हो जाएंगी, और अक्सर लोग लैग कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट फेल की हो जाती है क्योंकि उसकी मंथली सेल्स ज़्यादा नहीं होती. तो 500+ आपकी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स हो, वेट 2 kg के अंडर हो. ज़्यादातर कोशिश करें अनगेटेड कैटेगरीज़ को अप्रोच करें. आपकी अनगेटेड कैटेगरीज प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है. मैं आपको थोड़ी सी कैटेगरीज बता देता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में चले जाएं, उसके अलावा आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, मंथली सेल्स भी अच्छी आती है उनकी, और उसमें ब्रांड अप्रूवल्स भी जल्दी मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस. सो ये एट द एंड आप पे, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं ब्रांड्स को, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमेशा फुल प्लान्स के साथ जाएं. आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका अमेजोन का बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल बनेगा. अक्सर इन्वेस्टर्स जो हैं वो VS से पूछते हैं कि जी हमें प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे, प्रॉफिट कितना बनेगा, कब हमारे पैसे आने लग पड़ेंगे. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, स्टार्ट में कभी भी कोई भी बिज़नेस है, ज़रूरी नहीं अमेजोन, आपको
थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे जैसे आप अपनी मार्केट में जगह बनाते जाएंगे, आपके पास बैक बॉक्स डेली आ रहा है, आपकी सेल्स अच्छी हो रही हैं, आपके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अगेन, रिव्यूज़ जब आपके पास अच्छे होंगे तब आपका प्रॉफिट मार्जिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका BSR कम होता जाएगा, मंथली सेल्स बढ़ती जाएंगी। फिर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पर लाइव है, दूसरी ऑन द वे होनी चाहिए, थर्ड जो है वो आपकी बन रही हो, इन्वेंट्री रेडी हो रही हो। सो दीज स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू मेक योर ब्रांड्स ऑन अमेजोन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियोस, थोड़े और मज़ीद स्टेप्स बताऊंगा कि आप प्राइवेट लेबल के बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, थोड़े से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।